मांग को लेकर वीआईएल प्राइवेट लिमिटेड के वर्करों ने प्रदर्शन किया। वर्करों का आरोप है कि उनको 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। वर्करों ने बताया कि कंपनी के डायरेक्टर ने वेतन देने से साफ इनकार कर दिया है। वर्करों का कहना है कि हमारे पास जेब खर्च भी नहीं है, सारे वर्कर बहुत परेशान हैं, दर बदर भटक रहे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बताते चले कि यहाँ कोई वर्कर बिहार का है, कोई वर्कर मध्य प्रदेश या गुजरात का है, इनके पास घर जाने के लिए पैसे तक नहीं है, खाना खाने के लिए राशन नहीं है, उनके घर में उनके परिवार भूखों तड़प रहे हैं। आप लोगों की क्या समस्याएं हैं? जो सर हम लोग का अभी 4 महीने से मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने से पेमेंट ना मिला सर हम लोग का। ये वीआईएल प्रोजेक्ट बरेली से और सितारगढ़ NH 74 का प्रोजेक्ट है और सर यहाँ सैलरी ना मिल रहा, खाना पीना के लिए भी दिक्कत हो रहा है, और बोल रहे हैं मैच बंद करो, लाइट बत्ती भी ना मिल रहा है कुछ, और कोई सुनवाई ना हो रही हम लोग का। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग अपना पेमेंट चाहते हैं। आप लोगों की क्या समस्याएं हैं? जो सर हमारी समस्या ये है कि 4 महीने हो चुके हैं वीआईएल लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी में, और कोई यहाँ बिहार से, कोई गोरखपुर से, हर जगह कोई बाढ़ आया है, कोई परेशान है, किसी की बीवी तबीयत खराब है, किसी के बच्चे की तबीयत खराब है, और ऊपर वाले हमारे कुछ भी नहीं सुन पा रहे हैं। वो सीधे हाथ खड़ा कर दिए हैं कि मैं कुछ भी नहीं दूंगा, आप लोग को खाना है खाइए, नहीं खाना है मत खाइए, यहाँ पे राशन भी नहीं है, तेल डीजी भी नहीं है, लाइट की व्यवस्था है ना, खाने की व्यवस्था है, कुछ भी यहाँ नहीं है। बस उन लोग कहना मतलब कि आपको रहना तो रहो, किसी तरीके से रहो, या फिर घर जाना तो घर जाओ, पैसा भी नहीं दे रहे न कि पैसा लोग किराए के लिए। अभी हम लोग उच्च अधिकारी से मिल के आ रहे हैं पीलीभीत, वहाँ पर उन लोग का डिसीजन ये था कि तुम लोग को पैसा नहीं है, नहीं मिलेगा, तुम लोग जैसे भी चाहो वैसे घर जा सकते हो, और मैं कुछ भी करने में अच्छम हूँ। हम सब सारे लोग सर इस NH 74 पे BIL कंपनी में काम करते हैं। मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने का हम लोगों का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ, कोई खर्चा नहीं मिल रहा है, लाइट वो बंद कर दी है सर, खाना वो बंद कर दिया है, कोई बिहार से है सर, कोई यूपी से है, बाढ़ आ गई है लोगों के घर पे, जाने के लिए किराया नहीं है, सब लोग परेशान है सर, यहाँ किसी के बीवी बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है सर, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज 5 दिन हो गए हम लोगों को, 6 दिन लगभग लगातार हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी ने भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है सर, ना कोई अधिकारी आ रहा है, ना कोई प्रशासन का आदमी आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है यहाँ देखने के लिए। हम लोग रोड पे हम लोग सर बिल्कुल परेशान है, भूखों मरने के लिए जिंदगी ज्यादा मतलब आ गए हैं कि हमारे लोग साहब BIL में गाड़ी चला रहे हैं, 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, और जो है मांग रहे पैसे तो कोई अधिकारी नहीं आ रहा है यहाँ, और घर में हमारे बहुत तंगी है, ये खाने के लिए परेशानी है, और मैं जो है मजूरी कर लूँ और खाना है, और पैसे मिलते नहीं, वो मांगते हैं तो पहले बोले मिल जाएंगे, कोई नहीं, कोई अधिकारी भी नहीं आता है, और ये पैसे परेशान है, बहुत दुखी हैं कि 4 महीने की तनख्वाह नहीं मिली BIL में, तो मैस भी बंद हो रहा है।